दोस्तों इस समय हनुमानगढ़ बनाम कोटा यूनिवर्सिटी के बीच मैच शुरू होता हो। पहली रेड लेकर राइट कॉर्नर से कोटा यूनिवर्सिटी के रेडर बोनस के ट्राई में, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। शुरुआती क्षण खेल के सेफ ही कमबैक पहली रेड से। बाडड़ा स्थित हंसावास खुर्द में आयोजित विशाल कबड्डी प्रतियोगिता और जिसका पहला मैच इस वक्त कोटा यूनिवर्सिटी बनाम हनुमानगढ़। दो नंबर जर्सी से अब हनुमानगढ़ के रेडर पहले पॉइंट की तलाश है दोनों ही साइड से। दशकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई, सेफी कमबैक और फरवेज भी यहां दिखाई दे रहे हैं, जो कि पथाना में इन्होंने बहुत बेहतरीन खेल खेला था, टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं परवेज, जो कोटा यूनिवर्सिटी से खेल रहे हैं और लेफ्ट कॉर्नर से इस समय बायां पैर आगे बढ़ाते हुए बोनस की ट्राई की है। निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर बगैर किसी अंक के वापस से, क्योंकि शुरुआती क्षण खेल के मौसम बिल्कुल खुश सुहावना, आसमान में छुटपुट बादल बूंदाबांदी हल्की और उसके चलते मौसम हुआ सुहाना। इधर से भी सेफी वापस है और ड्यू डाई रेड लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी के स्टार रेडर। शारीरिक रूप से तो काफ़ी दक्ष हैं, खेल कितना बेहतर होगा ये देखते हैं। और ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस दीवार को तोड़ते हुए पहुंचे लक्ष्य तक। पहला अंक मैच का कोटा यूनिवर्सिटी, पहला अंक अर्जित करता हुआ मैच का। 7 के डिफेंस में इस वक्त जो जो खेल आगे बढ़ेगा रोमांच उतना ही बढ़ता दिखाई देगा। प्रो कबड्डी के स्टार दोस्तों यहाँ पहुँच रहे हैं, तो देखना ना बोले आगे के मैचों में। रेड आर्मी सोनी साईपत और यहाँ शानदार कैच मध्यांतर में लाजवाब। दूसरा अंक कोटा के खजाने में, 2-0 से बढ़त बनाता हुआ हनुमानगढ़ पर। 5 के डिफेंस में अब डिफेंस थोड़ा सा कमजोर होता हुआ और यहाँ तीसरा अंक बैक टू बैक। पहले पॉइंट की तलाश हनुमानगढ़। एक नंबर जर्सी से 7 का मजबूत डिफेंस, 2+ पॉइंट की कोशिश। परवेज कॉर्नर पे, जो कि ऑलराउंडर है, और हिदायत यहां परवेज की। जब भी आपके मैच हो आप जितने भी गेम चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। एक बार फिर से वही रेडर पुनरावृत्ति पर और यहाँ बैक अंदाज से टच पॉइंट की कोशिश और एक नंबर को बाहर भेजा। जी हाँ, 4th अंक कोटा यूनिवर्सिटी के फाइलों में जाता हुआ। ये जो मैच चल रहा है ये बिहारी क्लब और कुमार बिहारी टीम में तैयार हो जाए। 4th पॉइंट और पहले पॉइंट की प्रतीक्षा में ही समय हनुमानगढ़ निराश होता हुआ शुरुआती समय खेल का। आप सभी श्रोताओं का, कबड्डी प्रेमियों का मैं गजानन दोबड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, अभिवादन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आपका अपना फेवरेट चैनल कबड्डी का गजानन दोबड़ा पे, जो आप देख पा रहे हैं बेहतरीन कवरेज। डी लाइन को छोकर यूं गए और यूं आए। 7 नंबर जर्सी के रेडर इस वक्त रेड पे। परवेज अभी तक साधारण खेल आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखते हैं आखिर कितना कवर कर पाते हैं। और यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया है परवेज ने और ऑलराउंडर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू परवेज का। एक बार फिर से सुपर टेकर, सिर्फ 2 का डिफेंस, ऑल आउट का खतरा। एक अंक फिर से यहाँ गंवाता हुआ हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ के खजाने से लगातार पतझड़। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा, खाता खोलना भी बाकी। हालांकि 6-0 से लीड करता हुआ और थाई होल्ड लाजवाब। शाहरुख खान ने चित्त किया इसी के साथ, पहली बार ऑल आउट हनुमानगढ़ के सामने, हनुमानगढ़ कोटा के सामने 9-0 से पिछड़ा हुआ मैच में। कितनी विलंब से खाता खोलता है ये देखने वाली बात होगी। बोनस का प्रयास किया, बहुत ही बेहतरीन बाएं पैर से, शायद सफल होने चाहिए। जी हाँ, पहला बोनस है मैच का ये, जिसकी बदौलत अब स्कोर 2.5 अंकों में 10 पे जा पहुंचा है कोटा यूनिवर्सिटी, जो कि एक सिरमौर है एजुकेशन क्षेत्र में। हालांकि पिछले कुछ महीनों से वहाँ लगातार
डिप्रेशन में भी था। और देखे कितना बेहतरीन व्लॉग था, उसको यहाँ तोड़ते हुए पहुंचे, परवेज को बाहर भेजा। 1-2 पॉइंट होने चाहिए शायद। सुपर रेड से ओपन इज अकाउंट हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ के गढ़ में पहला अंक यानी कुल मिलाकर 3 का इजाफा, 10-3 7 अंक के लिए डबी भी 7 का डिफेंस। ये वक्त है सही हौसला बढ़ाने का, मैच में वापसी करने का, कोताही बरतते हुए इस समय सेफ ही कमबैक। उम्मीदों में एक बार फिर से चले, सिर्फ 4 का डिफेंस है इस वक्त है। और एक अच्छी रेड मैच में वापसी दिला सकती है हनुमानगढ़ को। ज़्यादा आगे चले गए हैं और धक्का दिया, देखिए ब्लॉक करने का प्रयास और सही वक्त पे पुश किया डिफेंडर को। आमतौर पे डिफेंडर रेडर को पुश करते हैं, लेकिन रेडर ने डिफेंडर को पुश करते हुए एक अंक अर्जित कर लिया, 4 स्कोर बढ़ता हुआ। ये एक अच्छी डिफेंस प्लेंटी दिला सकती है हनुमानगढ़ को। देखते हैं, यहाँ अंक नहीं गंवाना चाहिए कम से कम, भले ही रेडर सेफ जाए, क्योंकि सुपर टेकल में अब मुश्किलें बढ़ेंगी शायद। डी लाइन को छूकर वापस आए हैं, दबाव बनाने की कोशिश। हनुमानगढ़ यूनिवर्सिटी पहली बार दबाव में नजर आ रही है। ये रेडर बोनस अर्जित कर चुके हैं इससे पहले, और यहाँ 8 पॉइंट भी एक कामयाब रहे, गलती की है हनुमानगढ़ ने। और ऐसी गलतियों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त पे प्लस माइनस का खेल बदल जाता है। तो जहाँ पॉइंट अर्जित करना चाहिए था, तोहफे के रूप में पॉइंट गंवाया और सुपर टेकल से बाहर आ गया, जिसकी बदौलत कोटा यूनिवर्सिटी। मंत्रणा के बाद एक नंबर जर्सी के रेडर ही आगे बढ़ रहे हैं, जो पिछली रेड से पॉइंट लेके आए थे, हौसले बुलंद हैं। इससे पहले बोनस भी अर्जित किया है और एक रेड से 3 पॉइंट भी अर्जित किए थे, शायद वो यही रेडर थे, माफ कीजिए, एक ही पॉइंट अर्जित किया था बोनस का ट्राई, मगर खामोश वापस। टू डाई पे इस वक्त इंडियन स्टार, दबाव है 4 के डिफेंस में, कतई आसान नहीं अंक बटोर पाना, और समय ध्यान रखना होगा। इस समय 12 सेकंड शेष हैं, रेडर आउट। इसी के साथ लीजिए हाफ टाइम, सेफ थे रेडर। सेकंड हाफ लीजिए, पहले हाफ में 11-4 का स्कोर रहा, यानी 7 अंक की बढ़त है कोटा यूनिवर्सिटी के पास। हनुमानगढ़ भरपूर कोशिश होगी वापसी करने की, 1-2 रेड अच्छी चाहिए तो ऑल आउट कर सकता है कोटा यूनिवर्सिटी को। और दबाव में वापस ही लौटे, पहला रेड था, और ये रेडर काफ़ी मजबूत है, इसलिए थोड़ा खेल यह रोमांच हो सकता है अगर सफल रहे तो। वही पुनरावृत्ति, सेफ कमबैक। अगले मैच के लिए दोनों सौदी बिहारी क्लब ए वर्सेस कुमार बहरी। परवेश अभी भी बाहर हैं, और जब तक वो वापस नहीं आएंगे डिफेंस कमज़ोरी दिखाई देगा कहीं ना कहीं, उनका वापस आना ज़रूरी। 7-11 का स्कोर ज्यों का त्यों, 4-11 का, माफ़ कीजिए, 7 का डिफरेंस, और ये जो अंतर है काफ़ी दबाव बढ़ाएगा हनुमानगढ़ पे। बोनस का प्रयास शायद क्लियर नहीं कहीं ना कहीं, इसलिए दोबारा प्रयास करते हुए एक बार फिर पुनरावृत्ति। ड्यू डाई पे हनुमानगढ़ की तरफ से इस समय रेड है 12-4 8 अंक की बढ़त, करो मरो की स्थिति है इस वक्त। और यहां डुबकी लगाई है, लेकिन अब फंस गए 4 के जाल में। प्रताप 7-स्टार डी लाइन को छूकर समय बिताते हुए जोखिम उठाना होगा, क्योंकि 10-2-10 का मुकाबला आपको बता दें। समय को ध्यान रखते हुए 10 पॉइंट का दावा, कॉर्नर से निकाल लिया है एक अंक। मंत्रणा के बाद प्रताप वंस अगेन ऑन द रेड, 6 का डिफेंस,
एक एक अंक बहुमूल्य, पांच बारह का स्कोर है, सात अंक की बढ़त है अभी भी बरकरार जो पहले हाफ में थी। सेफ रिटर्न, डी लाइन को छोकर वापस आए हैं। प्रताप रूफ कालू बड़ी देर से बॉल की तलाश में है हनुमानगढ़। और भाई जिस भी दर्शकों या खिलाड़ी को बिल्कुल शुद्ध देसी घी की तरह जलेबी खानी है तो मैं चौबीस ही, और यहाँ बड़ी रन हो सकती है। जी हाँ, सुपर होनी चाहिए तीन पॉइंट। टीम है 15 पे पहुंचा कोटा यूनिवर्सिटी सुपर एड की बदौलत, राजस्थान की टीम है। और यहाँ गलती करते हुए फॉरवर्ड गए और गवाए अंक। समय साहिल हिसार से बिलोंग करते हैं हनुमानगढ़। समय बिताते हुए इस वक्त जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है सेकंड हाफ का। यदि ऐसा नहीं करते आप 10-10 का मुकाबला खेलने दिया जाएगा। काफी पिछड़ा हुआ मैच में, 9 अंक पीछे हैं मैच में। बोनस की ट्राई लेकिन अभी भी क्लियर नहीं, परवेज आ गए हैं वापस। आप जितना लेट प्रताप बन सके, अर्जुन स्टेडियम जींद ए और गंगानगर, अर्जुन स्टेडियम जींद ए और गंगानगर, ये दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन टीमें हैं। बहुत अच्छा मैच आपके बीच में होगा। अर्जुन स्टेडियम जब बाबा का मेला छह का डिफेंस है और मध्यांतर में टच पॉइंट की कोशिश। खामोशी मांगे डुडाई पे है परवेश, ये पहला रेड है इनका। मैच का पहला रेड परवेश की ओर से, जो कि ऑलराउंडर है, बेहतरीन डिफेंडर, उतने शानदार रेडर उड़ान भरी है लेकिन लक्ष्य से पहले रोकने में कामयाब। डुडाई से एक अंक गंवाता हुआ कोटा यूनिवर्सिटी, प्रयास बहुत बेहतरीन था लेकिन दूसरे प्रयास में डाइव नहीं कर पाए। अच्छा ब्लॉक किया और यहाँ ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश, पहुंच गए दो पॉइंट यहाँ, बड़ी रेड। 8 पे पहुंचता हुआ इसी के साथ हनुमानगढ़, जबकि 15 पे है कोटा यूनिवर्सिटी। 2 मिनट से भी कम वक्त है, स्कोर है हनुमानगढ़ 9 जबकि कोटा यूनिवर्सिटी 16। 7 अंक की बढ़त बरकरार जो पहले आप में थी, और यहां बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन सुपर टेकल से 2 अंक कोटा को। 18-18 पे पहुंचता हुआ बढ़त 9 अंक की, और 1 अंक तोहफे के रूप में फॉरवर्ड जाकर 2 अंक गंवाए, माफ कीजिए। बीस पे पहुंचता हुआ 9-20-11 अंक की बढ़त, अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष। एब महज औपचारिताएं, भगवान भास्कर एक बार फिर अपनी चमक बिखेरते हुए। परवेश मध्यांतर में और पहले मैच में हार का सामना करना पड़ेगा। अब बोनस अर्जित किया, दूसरा रेड परवेश का, 2.5 अंकों में जरूर 10 लेकिन उनसे दुगना स्कोर इस समय कोटा का। वलो करने की कोशिश, पहुंच गए हैं परवेश, सफल रेड परवेश की। 10-21 11 पॉइंट की जो लीड है ये जीत का फासला, ये संभवतः फाइनल रेड हो सकता है। 1 अंक लीजेसी के साथ खेल समाप्त और मुकाबला यहाँ 11 पॉइंट के अंतर से कोटा यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है हनुमानगढ़ को पराजित करते हुए। अंशवास खुर्से में गजानन, कुछ क्षण के लिए आपको वापस ले चलता हूँ। हैव ए नाइस डे।